देखिए बिल्कुल राम कदम जो कि बीजेपी विधायक है और वहीं पर मुंबई से पालघर के लिए वो निकले थे, इसीलिए क्योंकि 212 दिन हो चुके थे, पर उसके बाद जो है उनको मुंबई पुलिस की ओर से हिरासत में ले लिया गया था और अब जो है वो यहाँ पर बाहर निकले। हम उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों किस वजह से पुलिस जो है पुलिस के ओर से जो उनको डिटेन किया गया, जहाँ आंदोलन शुरू करने वाले थे, जो यात्रा शुरू करने वाले थे, उस यात्रा से पहले जो है आपको हिरासत। देखिए हमारी जन आक्रोश यात्रा को जो पालघर साधु हत्याकांड में साधुओं को बहुत निर्ममता से मारा गया, जघन्य हत्या हुई, उनकी चीख उनका दर्द आज भी हमारे कानों में कर्णों में है। वह दर्द हम दिल और हृदय से भूल नहीं सकते। हमारी जन आक्रोश यात्रा को इस दमनकारी सरकार ने रोका है, दुस्साहस किया है। सरकार की हम निंदा करते, शर्मनाक बात है, डरपोक सरकार है। हम कोई आतंकवादी नहीं है। संतों को रोकती है सरकार, संतों को पुलिस थाने ले आती है और कहती है तुम यात्रा नहीं निकालोगे। कौन सा डर है तुम्हें, कौन सा भय है? हत्या के समय वहाँ पर जो राष्ट्रवादी दल के नेता मौजूद थे, हत्या के समय वहाँ पर अन्य दलों के नेता मौजूद थे, उनको बचाने की महाराज सरकार की कोशिश, इनका दुस्साहस समूचे देश ने देखा है। आज तो आगाज है, आज के बाद समूचे देश में, क्योंकि विगत काल में आगे की क्या रणनीति, विगत काल में कोरोना था, इसके लिए साधु संत क्रोधित थे पर सड़कों पर नहीं उतरे थे। आज के बाद समूचे देश में हर व्यक्ति सड़कों पर उतरेगा, हर अखाड़ा सड़कों पर उतरेगा, हर संत साधु समाज सड़कों पर उतरेगा। यह संघर्ष का आगाज आज हुआ है, ये रुकेगा नहीं। जब तक हमारे प्यारे साधुओं को न्याय नहीं मिलता तब तक हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, तो ये थे राम कदम जो कि अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और जहां उस आक्रोश को, जन आक्रोश यात्रा को लेकर जहां पर वो मुंबई से पालघर जाने वाले थे, पालघर के उस जगह पर जहां पर साधु संतों की हत्या की गई थी और इस न्याय को लेकर जहां पर 212 दिन पूरे हो चुके हैं और वहीं पर राम कदम और दूसरे अन्य कार्यकर्ता जो है उसी जगह पर जाकर जो है वहाँ पर दिए जलाने वाले थे, वहाँ पर जो है भूख हड़ताल करने वाले थे, ये मांग को लेकर कि महाराष्ट्र सरकार जो है अब इस पूरे मामले को लेकर यानी पालघर के साधु हत्याकांड को लेकर जो है सीबीआई को जांच सौंप दे। पर जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले, अपने बिल्डिंग से बाहर निकले, जो तैनात पुलिस थी उन्होंने उनको हिरासत में लिया और इसी पुलिस स्टेशन खार पुलिस स्टेशन पर उनको लाया गया। करीबन आधे घंटे तक उनको रखा, उसके बाद अब जहाँ पर राम कदम का ये कहना कि साधु संत समाज के न्याय के लिए जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। जी